सुनो स्टार धमाका आपके लिए लेकर आए धमाकेदार खबर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सलमान खान की अपकमिंग फिल्म टाइगर जिंदा है की। जैसे कि सलमान खान के फैंस उनकी अपकमिंग फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इसी मौके पर फिल्म पद्मावती के जैसे ही फिल्म टाइगर जिंदा है भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में फंस गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सलमान खान की आने वाली फिल्म टाइगर जिंदा है की। टाइगर जिंदा है की रिलीज डेट पर ही मराठी फिल्म देवा भी रिलीज हो रही है। जैसे कि सबको पता है टाइगर जिंदा है कि एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गई है, इसी वजह से फिल्म देवा को प्राइम टाइम शोज नहीं मिल रहे हैं। शिवसेना के नेता संजय राउत ने एक इंटरव्यू में कहा है कि बड़ी मछली छोटी मछलियों को खाने की कोशिश कर रही है और ये दादागिरी सिर्फ महाराष्ट्र में ही क्यों होती है। जो ऐसा कर रहे हैं उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि शिवसेना का टाइगर भी अभी जिंदा है। वेल, ये मामला यहाँ पर ही नहीं थमा है। वहीं दूसरी तरफ एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने मुंबई के थिएटर मालिकों को एक धमकी भरा लेटर भेजा है। उसमें उन्होंने कहा है कि अगर मराठी फिल्म देवा को प्राइम टाइम शोज नहीं मिलेंगे तो वो सलमान खान की आने वाली फिल्म टाइगर जिंदा है को भी किसी भी थिएटर में रिलीज नहीं होने देंगे। वेल, टाइगर जिंदा है और मराठी फिल्म देवा के ये धमाकेदार क्लैश देखना तो काफी दिलचस्प रहेगा। अगर फिल्म को स्पेंस शेयर नहीं किया गया तो एडवांस बुकिंग करने वाले लोग और थिएटर मालिकों को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। हम तो यही कहेंगे कि सलमान खान की फिल्म है और लोग उन्हें कितना सपोर्ट करते हैं ये देखना काफी दिलचस्प होगा।